सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त रोहित और आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आपके एंड्रॉयड डिवाइस में बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को कैसे प्ले कर सकते हो। और गाइस, आज इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया प्ले करना हमारे एंड्रॉयड डिवाइस के लिए सेफ है या फिर नहीं, और जब हम इंस्टॉल करते हैं तब जब पैकेजिंग का जो एरर आता है उसका सॉल्यूशन भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, आप बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को अपने एंड्रॉयड डिवाइस में कैसे डाउनलोड करके प्ले कर सकते हैं इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये गेम आपके एंड्रॉयड डिवाइस के लिए सेफ होने वाला है या फिर नहीं। सो गाइस, मैंने एक दो दिन पहले इसके लिए वीडियो बना था कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं तब हमारा सर्वर चाइनीज सर्वर के ऊपर कनेक्ट होता है और हमारा डेटा चाइनीज सर्वर के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो गाइस, उसके थोड़ी देर के बाद क्राफ्टन की तरफ से एक रिप्लाई आया था उसके बारे में कि एक गेम का एक ग्लिच था, एक बग था जो उन्होंने फिक्स कर दिया है और ये गलती से हो गया था, तो उन लोगों ने ये सब फिक्स कर दिया है। मतलब अभी जब भी हम गेम स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो भी डेटा है वो इंडियन सर्वर के अंदर ही रहने वाला है। तो इसका मतलब आप अभी पूरी सेफ तरीके से बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को एंजॉय कर सकते हैं। और गाइस, एक और बात बोल देता हूँ कि आप अगर कोई भी OBB और ऐप के थ्रू अगर गेम को इंस्टॉल करने को जाएंगे तो आपके सामने पैकेजिंग का एरर 100% आने वाला है। क्योंकि पहले जब ऐसा था कि जो अर्ली एक्सेस है वो थोड़े लोगों के लिए ही कर दिया था, लेकिन उसके बाद क्राफ्टन की तरफ से ये जो अर्ली एक्सेस है सबके लिए ओपन कर दिया है। लेकिन आप अभी भी अगर OBB और APK डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको पैकेजिंग एरर का ही एरर आने वाला है। सो गाइस, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप इस गेम को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, सिंपली मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दिए, और ये जो लिंक है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की, ये मैंने टैप टैप स्टोर की लिंक दी आपको। तो आपको सिंपली टैप टैप स्टोर से ही इस गेम को डाउन, जब भी आप टैप टैप स्टोर से इस गेम को डाउनलोड कर लेंगे ये गेम ऑटोमेटिक आपका इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ 700 MB का ये डाउनलोड रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे आप प्ले स्टोर से गेम को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, वैसे आप जैसे ही टैप टैप स्टोर से इस गेम को डाउनलोड कर लेंगे वो ऑटोमेटिक आपके एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके वजह से आपको पैकेजिंग एरर का कोई भी इशू नहीं आने वाला। तो आप मेरे दिए हुए डाउनलोड लिंक से आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टैप टैप स्टोर को डाउनलोड करके भी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस, जैसे आप फर्स्ट टाइम गेम को स्टार्ट करेंगे तब आपके सामने दो ऑप्शंस पूछे जाएंगे। अगर आपका लो एंड डिवाइस रहेगा तो आपको 300 MB की फाइल डाउनलोड करनी, और अगर आपका हाई एंड या फिर डिसेंट लेवल का डिवाइस रहेगा तो आप 600 MB की फाइल भी डाउनलोड कर सकते। ये दोनों भी फाइल डाउनलोड होने के बाद, मतलब दोनों में से आपको कोई भी एक ही फाइल डाउनलोड करनी है, और अगर आपने 300 MB की फाइल डाउनलोड की तो आपका जो गेम के थोड़े से ग्राफिक्स है थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि वो जो फाइल है वो लो एंड डिवाइसेस के लिए बनी हुई है। और अगर आपने 600 MB की फाइल डाउनलोड की तो आपके ग्राफिक्स थोड़े से इंप्रूव रहेंगे, क्योंकि वो जो फाइल है वो हाई एंड डिवाइसेस के लिए बनी हुई है। सो गाइस, आपको ये देखना है कि आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस है वो कौन से लेवल का है। अगर वो लो एंड डिवाइस रहेगा तो आपको 300 MB की फाइल डाउनलोड करनी, अगर आपका डिवाइस हाई एंड रहेगा तो आपको 600 MB की डाउनलोड कर लेनी है। और गाइज, आपकी जैसे ही वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपका सिंपली गेम स्टार्ट हो जाएगा। और गाइज, अगर आपने गेम को प्री रजिस्टर करके रखा था तो आपके जो भी फ्री के गिफ्ट रहेंगे वो आपको आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। तो गाइज, आप लोगों को उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके बाद आप सिंपली आपके गेम को इंजॉय कर सकते हो। और गाइज, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और गाइज, आपका अगर कोई ओपिनियन रहेगा या फिर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक के लिए वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही था। तो गाइज, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।